ऑलमोस्ट 169 किलोमीटर हम लोग को कवर करना है एंड बहुत से स्टॉप्स भी हम लोग लेंगे बिकॉज 110 सीसी की बाइक है तो उसको कूलिंग के लिए भी ब्रेक लेना है। वैसे तो मैं बीच बीच में स्पीड पकड़ूंगा, बीच में ही फिर उसके साथ चलाऊंगा, तो ऐसे हम लोग राइड करेंगे आज की। तो अभी हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है त्र्यंबक, तो हम लोग त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं एंड वहाँ से आगे फिर मुंबई। सो अभी मेरी जो बैग है उसको नीचे से हम लोग ने स्क्रूज फिटिंग कर दी है, तो कल जुगाड़ किया है मेरे ब्रो ने और वो हम लोग अभी फिटिंग कर रहे हैं उस पर कैरियर पे। तो अभी करते हैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट एंड जैसे कि नासिक में वेदर बहुत कोल्ड है तो आप देख सकते हैं फॉग है, तो चलते गणपति बप्पा मोरिया एंड हियर वी गो। गाइस चलते हैं त्र्यंबकेश्वर और अभी 30 किलोमीटर्स अवे है त्र्यंबकेश्वर फ्रॉम नासिक। तो अभी हम लोग ने पेट्रोल रिफिल कर दिया है, दोनों गाड़ियों में पेट्रोल रिफिल कर दिया है। वैसे तो पैशन प्रो का एवरेज अच्छा है तो उस गाड़ी को पेट्रोल वैसे कम लग जाएगा, बट R15 का एवरेज वैसे मुझे 45-50 मिलता है तो उस हिसाब से पेट्रोल भी उतना लगेगा। एंड अभी यहाँ से 30 किलोमीटर्स अवे हम लोग को ट्रैवल पूरा करना है एंड रोड्स कंडीशंस बीच बीच में अच्छे हैं, बीच बीच में ख़राब है। वेदर वैसे अभी थोड़ा सा गर्मी स्टार्ट हो रही है एंड बाकी तो वैसे हम लोग ने टायर और उसमें एयर प्रेशर भी अच्छे से मेंटेन किया है। तो त्र्यंबकेश्वर को हम लोग पूरा एक्सप्लोर करने वाले, पूरा टेम्पल हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो व्लॉग देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। तो बात करते हैं पूरे डिटेल प्लान के बारे में। तो आज का जो प्लान है वो है नासिक से त्र्यंबकेश्वर जो कि 30 किलोमीटर से, उसके बाद में हम लोग त्र्यंबकेश्वर से जाएंगे कसारा घाट वाया वैतरणा डैम। तो आपको वैतरणा डैम के भी वीडियोस एंड फोटोज़ में दिखाऊंगा एंड वो वैतरणा डैम हम लोग जाने वाले मुरम्बी गांव से आगे जाके वाकी एंड देन कसारा घाट। तो ये जो डिस्टेंस है लाइक फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर टू कसारा घाट वो है 76 किलोमीटर्स और ये रोड्स मैंने कभी भी एक्सप्लोर नहीं किए थे। मेरे लिए नासिक की राइड एंड ये सब चीज़ें अनएक्सप्लोर थी और मेरा कज़िन ब्रदर यहाँ पे रहता है तो उसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं था मेरे लिए स्टे एंड ऑल का। तो लास्ट 4-5 डेज में मैंने फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड अभी फिर से हम लोग रोड पर आ गए राइड करने के लिए। तो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज मुझे चाहिए कि मैं जो भी राइड एंजॉय करता वो आपने भी एंजॉय करनी चाहिए और मेरे कैमरा के लेंस के थ्रू आपने पूरा महाराष्ट्र एक्सप्लोर करना चाहिए। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेगी और ऐसे ही आप प्यार करते रहना मेरे वीडियोज़ को।
भाई। फिर अभी त्रम्बको जाते हैं, फिर कसारा को ब्रेक लेते हैं, तब तक वो लोग भी कसारा को निकल लेंगे। एंड मेरे को मिल गया सब्सक्राइबर। सो एक्चुअली हम लोग ने ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गया था, जो पैशन प्रो पे हम लोग ने पीछे बैग लगाई है वो सूटकेस है एंड वो ज़्यादा बैलेंस नहीं हो रही है, बिकॉज पैशन प्रो की सीट भी छोटी है तो वो बहुत हिल रही थी, तो मेरे ध्यान में आ गया तो हम लोग ने गाड़ी रुका दी। अभी वही रोप भी टाइट कर दिया एंड मेरे जो कज़िन सिस्टर एंड वो लोग हैं तो वो कसारा आ रहे बाय रोड, तो हम लोग फिर आगे उनको ज्वाइन करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ऐसा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट हाँ वही वैतरना एंड ऑल सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे अपन। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर। सो ये पूरा अभी आपको जो दिख रहा है वो पूरा एंट्रेंस है यहाँ से, एंड यहाँ पे थोड़ा सा पुलिस चेकिंग ये सब भी चल रहा है। तो ये है उसका मेन गेट एंड यहाँ से अभी अपन अंदर जा रहे हैं। एंड अभी टाइम हो गया है अर्ली मॉर्निंग 8 AM के आसपास, तो हम लोग को थोड़ा टाइम लग गया, लाइक 1-2 आवर्स हम लोग के लग गए, बट यहाँ पे बहुत सारे होटल्स एंड स्टे के लिए रूम्स भी अवेलेबल दिख रहे हैं, बट अर्ली मॉर्निंग है सो सब कुछ क्लोज है। सामने है टेंपल और ये गेट से अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड आगे जाके अभी पार्किंग का देखना है। पार्किंग का मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम्स लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज बहुत ही भीड़ और सब कुछ है, बट देखते हैं जहाँ पे भी पार्किंग मिल जाएगी वहाँ पे पार्किंग कर देते हैं। वैसे कुछ 20 रुपीस पार्किंग लेते इतना मुझे कुछ आइडिया है। तो चलते हैं टेंपल में।